हेलो रोना, आज क्लास में एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन में सेवेंथ को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा गिवन क्वेश्चन है, अ गोडाउन मेजर्स 40 मीटर बाय 25 मीटर बाय 15 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर बाय 1.25 मीटर बाय 0.5 मीटर डेट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास एक गोडाउन है जिसकी डायमेंशन आपको दे रखी है, साथ ही में कुछ वुडन क्रेट्स है जिनकी डायमेंशन भी आपको दे रखी है। आपको ये बताना है कि इस गोडाउन के अंदर टोटल कितनी ऐसी क्रेट आ जाएंगी, वुडन क्रेट्स कितने आ सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास गोडाउन की डायमेंशन है और इसकी हर क्रेट की डायमेंशन है। सबसे पहले गोडाउन के लिए देखते हैं, फोर गोडाउन। देखिए, लेंथ हमारे पास है 40 मीटर, ब्रेथ 25 मीटर और अगर हम लोग हाइट की बात करें तो 15 मीटर। ये गोडाउन की हमारे पास ये है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। इसे आप वॉल्यूम भी कह सकते हैं या फिर इसे कैपेसिटी भी कह सकते हैं। देखिए, एक गोडाउन सिंपली क्या होता है, एक रूम की तरह ही होता है, बड़ा सा कोई हॉल रूम कह सकते हैं। तो और एक रूम कैसा होता है, क्यूबॉइड की शेप का। तो यहाँ पे हम लोग क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करेंगे जिसका फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच, 40 इंटू 25 इंटू 15 विच इज़ इक्वल्स टू 10,000 मीटर क्यूब। यूनिट ज़रूर लगाइएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारे पास वुडन क्रेट की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ है वुडन क्रेट्स की वह 1.5 मीटर, ब्रेथ 1.25 मीटर और हाइट की बात करेंगे ये 0.5 मीटर। ओके, यहाँ पे हम लोग एक वुडन क्रेट का वॉल्यूम फाइंड कर ले रहे हैं। सो ये एक वुडन क्रेट भी एक्चुअल में क्यूबॉइड की लेंथ की होती है। तो यहाँ पे भी एल इंटू बी इंटू एच सेम फार्मूला रहेगा, 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5 विच इज़ इक्वल टू 0.9375 मीटर क्यूब। अब इसके बाद हमें बताना है कि इस गोडाउन में टोटल कैसी कितने क्रेट आ सकती हैं। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्रेट्स, इसके लिए सिंपली कुछ नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे इन दोनों के वॉल्यूम का डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, पूरे गोडाउन का वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच क्रेट इक्वल्स टू 10,000 0.9375 डिवाइड करने पे आएगा 10,666.7। सो इतनी क्रेट जो है इसके अंदर आ सकती हैं। ओके, अब यहाँ पे बोलेंगे पॉइंट में ये 7 आ गया, मतलब कि इसका मतलब ये है 0.7 यानी कि थोड़ा सा स्पेस और रह जाएगा, मतलब 10,666 क्रेट रखने के बाद भी थोड़ा सा स्पेस और बच जाएगा। ओके, सो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। आई होप आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्लीज शेयर सेक्शन टू क्लासमेट्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।